ही सभी दलों के प्रत्याशी अब दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी अनिल जैन की पत्नी आज अपने मायके में आई है। कैसा महसूस कर रही बुआ जी आज आप अपने मायके में आई है? कोई बुआ कह रहा होगा, कोई बहन कह रहा होगा, बिल्कुल ये तो हमारा घर है और कहना क्या है असली मायके का, ये तो बात ही अलग है। जो प्यार जो मिल रहा है ना, आप देखिए ना, 9 बजे से आया हूँ, 6 बज गया हमें यहाँ, लेकिन बच्चे देखो तो मान नहीं रहे कि अभी ये घर रह गया, ये घर रह गया, पूरा घर करना है। भाइयों का प्यार है ये और हमें जाने ही नहीं दे रहे हैं कि ये पूरा कर लो, तो ये प्यार ही तो है कि एक एक घर हम पूरा कर रहे हैं मिलने से। कैसा समर्थन मिल रहा है? भरपूर समर्थन। यहाँ लोग कह रहे हैं कि आपका मायका है और विधायक जी की ससुराल भी है, तो लोगों के बीच पहुंच रही है, किस तरीके से लोग समर्थन कर रहे हैं, कितने लोग साथ में जा रहे हैं? ये बेटी दामाद के लिए जो मिलना चाहिए वो पूरा पूरा समर्थन है, पूरा सम्मान है, पूरा सहयोग है, और इनकी वजह से ही इस बार हम लोग तीसरी बार विजय हासिल करेंगे। कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा, अगर मौर्य जी आ रहे हैं तो ये तो और ही अच्छी बात है कि हमारी कुशवाहा समाज के लिए वो उनके एक सम्माननीय है, जिनके लिए तो खैर हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वो जब कल जो बोलेंगे वो आप भी सुनेंगे और मैं भी सुनूंगी। अभी भिंडवाड़ा और असाटी की जनता, कुशवाहा समाज के लोग आरोप लगा रहे थे कि आपका विधानसभा चुनाव में कुछ विवाद हुआ था, क्या पूरा मामला? मेरा तो कोई आरोप है ही नहीं है, और आरोप तो वही लगाते जो खुद आरोपी होते हैं। तो कहा है कि आरोप वही लगाते हैं जो आरोपी होते हैं, और भी लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। भैया कैसा माहौल चल रहा है? नहीं, माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, बीजेपी का बहुत अच्छा है। भैया कैसा माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा, 80-90% तो होगा, पूरा 80-90% 100 हो जाता है बात ये लगेगा। कैसा 80-90% पूरा विस्तार? मतलब अगर यहाँ पर 3,000 वोटिंग होगी तो 3,000 वोट करेंगे, 10-20% का नाम हो जाए तो हो जाए, वो भी थोड़ा धोखे से बूढ़े बुजुर्ग के, बाकी 2800 वोट यहाँ से करेंगे भाजपा। और भी लोग हैं, कैसा माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर बीजेपी को ही सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और अन्य दलों को नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो खासतौर से असाटी भिंडवाड़ा में, यहाँ पे माननीय विधायक जी नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, और यहाँ तन मन धन से हुआ जी, सुबह 9 बजे से यहाँ अभी 6-7 बज गए होंगे, अभी भी लोग घर नहीं जाने दे रहे, उन्हें घर घर तिलक हो रहा है, घर घर सम्मान मिल रहा है, जिस तरीके से हमारी बुआ को सम्मान मिलना चाहिए वाकई में वैसे ही सम्मान मिल रहा है। तो भाई कैसा चल रहा है भैया? भैया बढ़िया माहौल चल रहा है, हम दीदी के साथ सुबह 9 बजे से है बराबर, तो हमने ये देखा कि सैकड़ों लोग थे, अब चूंकि अब शाम हो गई इसलिए थोड़े अपने अपने गृह कार्य व्यस्त हो चुके हैं, नहीं तर सैकड़ों लोग बराबर साथ में रहे, हर घर जाके उनने सम्मान किया दीदी का, घर जाके और चाय पीने के लिए ये करने के लिए थोड़ा दीदी रुक जाओ। कैसा माहौल देख रहे हैं, किससे टक्कर मार रहे हैं भाजपा की? देखो वैसे हमारी बात ये है कि टक्कर किसी से नहीं है, ठीक है, 3-13 की कोई टक्कर होती क्या? ठीक है, 3 और 13 में बहुत अंतर, नहीं दूसरे का 3-13 में, 3 में रहेंगे वो सारे जितने हैं, जितने प्रत्याशी हैं, और इनका रहेगा 13, ठीक है। और भी लोग हैं, चाचा क्या नाम है? मनोहर लाल कुशवाहा। भाजी कैसा माहौल चल रहा है? माहौल तो एकल है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माने भारत की रक्षा करने वाली पार्टी से हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, और ऐसी ऐसी भाजपा सरकार के बिना उछिज्जा साथ में पानी पी रही एक घाट पे, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल हो, सभी लोग कह रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं आगे। अरे वो तो मौका की फायदा, चेत काटने आए हैं तो काट के चले जाएंगे, चुनाव लड़ने आए चले जाएंगे बस। और भी लोग हैं बात करेंगे, क्या नाम है? हमारा बबलू कुशवाहा। बबलू जी कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, विकास के नाम पर बहुत अच्छे वोट मिल रहे हैं, ना तो कोई समाज की पार्टी है, ये भारत की जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, हजारों वोटों से विजय होगी अनिल जैन की। भैया का कहना है हजारों वोटों से विजय होगी, क्या नाम है चाचा? राजेंद्र तिवारी। तिवारी जी कैसा माहौल देख रहे हैं? बढ़िया माहौल चल रहा है। कौन विजय श्री, किसको विजय श्री दिला रहे हैं? अनिल जैन जीतेगी यहाँ से। कितने वोटों से जीतेगी? बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे, क्या नाम है? हमारा नाम दशरथ कुशवाहा है। दशरथ जी कैसा माहौल देखने को मिला? आज हमारे नंदराम जी का बहुत अच्छा माहौल रहा, पूरी सर्व समाज इकट्ठी हो गए, आज रैली निकाली है, हम लोग उनको बहुत अच्छी जीत दिलाएंगे नंदराम कुशवाहा जी को। अभी यहाँ के लोग कह रहे हैं हजारों वोटों से भाजपा जीत रही है। अरे वे तो सबने देख रहे हैं, अब
सपने नहीं देख रहे भाई साहब, इतने आप बूटा हो का साठी में? अरे साठी के नहीं है तो हम तरी जाएगी तो आपकी तरी जाए को मोहला इतना साठी को मोहल लो भाई। मैं तो कह रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि आज तक भाजपा ने मुझे दिया क्या है, वे अपने ही लोगों को किसान सम्मान निधि देती है, अपने ही लोगों को देख देख कर हर चीज देती है। क्या कोई योजना का लाभ नहीं मिला? मुझे कोई लाभ नहीं मिला, मेरा आज 2 साल से फॉर्म डला था आवास का। आज आपके हम तरीचा रहेंगे उस डिबेट में, आप चाहते हैं करना? बिल्कुल ठीक है। और भी लोग हैं, सरपंच साहब आ जाए। असाटी के सरपंच साहब है, सरपंच साहब कैसा माहौल देखते देखो तो आपने पहले तो आपको धन्यवाद है, आपने पहले बुलाया कि बोले चुनाव में काहू बाजी वो चुनाव चला था अभी कि बिल्कुल अपनाया है, झूठ बात है, ठीक है ना? वो हम कह रहे हैं वही पेटी में हमारे वोट कई बार एक बार बोल चुके हैं हम, वो आज भी कह रहे हैं आपसे कि ये पूरी खास तौर से अपनाएं फैलाई गई है जी बातें, कहीं में जन साहब को मतलब वोट कम हो जाए फलाना हो जाए, बेसनो एक कर जीते और जीते एक कर दीजिए असाटी से। अभी हमने आपको असाटी के लोगों से रूबरू कराया, यहाँ जो प्रत्याशी है उनकी पत्नी निरंजना जैन भी जनसंपर्क कर रही थी, उनसे भी रूबरू कराया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए NV70। नमस्कार।